दोस्तों, आज मैं सुबह उठ के सोच रही थी, हम हार क्यों जाते हैं? आखिर कुछ लोग जिंदगी में जीत जाते हैं और कुछ ज्यादातर हार जाते हैं। इसका कारण क्या है? और सोचते सोचते आखिरकार इसका कारण मुझे मिल ही गया और मैं उसका कारण आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी उस कारण को अपने जिंदगी से मिटा के सफलता की ओर आगे बढ़ सके। इसको एक कहानी से समझते हैं। रमेश नाम का एक लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। उसके घर में एक बीवी, दो बच्चे, माँ बाप होते हैं, लेकिन अभी भी रमेश अपनी जिंदगी में, अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में सेटल नहीं हो पाता है। वो एक दिन अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं बिजनेस करूं तो लगता है मेरा बिजनेस चलेगा नहीं। मैं अगर जॉब ढूंढूं तो मुझे लगता है मेरे से अच्छे अच्छे काम करने वाले, अच्छे अच्छे डिग्रियां वाले MBA IIT इस देश में पढ़े हैं, मुझे कौन जॉब देगा? मेरी जिंदगी बस कहीं थम सी गई है, क्या करूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गुरुजी कहते हैं, चल छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि अभी अगर तुम्हें अपने मन की करने को दी जाए तो तुम क्या करोगे? रमेश थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है कि उस पहाड़ी के ऊपर जो शिव मंदिर है, मैं वहां पूजा करना चाहता हूँ। तो गुरु कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें देर किस चीज की? और मुझे पूरा विश्वास है, पहाड़ के ऊपर के शिव मंदिर से जब तुम आशीर्वाद लेके आओगे तो तुम्हारे जिंदगी में ये जो भी बाधाएं हैं ये कट जाएंगी, तुम्हारी जिंदगी स्मूथ हो जाएगी। चलो देरी किस बात की, अभी खाना खा के निकल पड़ो। रमेश गुरुजी का आशीर्वाद लेके निकलने लगता है। गुरुजी उसको हाथ में एक लालटेन देते हैं, कहते हैं कि रात में बहुत अंधेरा होगा, ये तुम्हारे काम आएगा। रमेश वो लालटेन और कुछ खाना लेके निकल पड़ता है, पैदल चलना शुरू करता है और जब वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है, बहुत रात हो चुकी होती है, चारों तरफ घोर अंधेरा होता है। रमेश वो अंधेरा देख के डर जाता है। रमेश लालटेन तो जलाता है, लेकिन उसको लगता है कि लालटेन तो सिर्फ 2-3 कदम तक ही रोशनी दे पा रही है, चारों तरफ घोर अंधेरा है। उसका गणित सही भी था, लालटेन तो सिर्फ 2-3 कदम ही रोशनी कर पा रहा है, और ऐसे घोर अंधेर पहाड़ को पार करने के लिए तो हजारों लालटेन की ज़रूरत है। तो रमेश सोचता है, यहीं बैठ जाते हैं, सुबह होगी तो चलना शुरू करेंगे। आधे घंटे बाद पीछे से एक सन्यासी आता है, उसके हाथ में एक छोटा सा दिया होता है और वो भी पहाड़ के ऊपर शिव मंदिर में जाना चाहता है। रमेश उसको कहता है, बुरा मत मानिएगा, आप इस दिए के भरोसे ऊपर जाना चाहते हैं? इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक कदम आधा कदम आगे दिखाई दे रहा है, आप ऊपर जाते जाते रात को गिर के मर जाएंगे, आप मेरी तरह यह इंतजार कीजिए, हम सुबह एक साथ ऊपर चलेंगे। वो सन्यासी कहता है, बेटा इस दिए के भरोसे मैंने कई पहाड़ों को पार किया है, कई मंदिरों में माथा टेका है, जब मैं आगे बढ़ता हूँ ना एक कदम, तो रोशनी भी एक कदम आगे बढ़ जाती है और मैं एक एक कदम करके ऊपर चढ़ता रहता हूँ, और ज़िंदगी का भी यही सिद्धांत है।
हाँ दोस्त, जो इंसान एक एक कदम बहुत संभल के, बहुत समझदारी के साथ रख के आगे बढ़ता है, वो हजारों मील पहुंच जाता है। लेकिन जो शुरुआत में ही हजारों मील का हिसाब लगाने लगता है, वो कभी कहीं नहीं पहुंचता, वो अपनी यात्रा शुरू ही नहीं कर पाता। वो हारेगा कि जीतेगा, यही सोच में, यही हिसाब में पड़ा रहता है। एक एक कदम चल के तो देखिए, रास्ते खुद बनेंगे। महाभारत में भी यही हुआ था। गीता के 2 नंबर अध्याय के 48 श्लोक में कृष्णा ने भी अर्जुन को यही कहा था, हे धनंजय, उठो, हार जीत का सोच छोड़ दो, अपना कर्तव्य करो। हमें भी जब कुछ समझ ना आए तो हार का डर निकाल देना चाहिए, जीत की चिंता निकाल देनी चाहिए, एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और रास्ता खुद निकलेगा। विश्वास कीजिए दोस्त, चाहे वो इलन मस्क हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो हमारे देश के मुकेश अंबानी हो, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने सफलता का सिर्फ एक ही सूत्र अपनाया है, एक एक कदम आगे बढ़ते जाओ, रास्ता खुद पे खुद बनता जाएगा। आइए आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हम भी धीरे धीरे करके आगे बढ़े, एक दूसरे की विजडम शेयर करें, कमेंट करें आपको ये कहानी कैसी लगी, दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, जाते जाते लाइक भी करते जाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।